हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हरीशी फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशनल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने डाइमेंशनल एनालिसिस होता क्या है वो देखा था। वैसे डाइमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशन फिजिक्स और साइंस में हैं, जिसमें से हम मेन एप्लीकेशन जो है उन्हें देखने वाले हैं, जिसमें तीन एप्लीकेशन, देखो तिरंगा दिख रहा है आपको, इसमें मेनली तीन एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट इज टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, सेकंड है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, एंड तीसरा है टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर। अब ये देखने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब हम देखेंगे एक एक, तो बहुत ही ईजी है बच्चों। देखो एक एक एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये। देखो इसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है टू चेक द डाइमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। फिजिक्स में जब कोई भी इक्वेशन निकाला जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका डाइमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं। कोई भी इक्वेशन बनाए, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिस्कवरी की है, कोई फिनोमेना डिस्कवर किया है और उसका इक्वेशन बनाया, तो आपने बनाया हुआ इक्वेशन क्या सही है या गलत है वो पहली टेस्ट होती है डाइमेंशंस की। अगर उस इक्वेशन में जो डाइमेंशंस है वो अगर सही मैच होते हैं, वो इक्वेशन अगर डाइमेंशनली बैलेंस होता है, डाइमेंशनली क्या बोल सकते हैं, करेक्ट होगा, तो उस इक्वेशन को फर्स्ट टेस्ट में से आगे पास होगा। तो इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डाइमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, टू चेक द डाइमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। फिजिक्स में जो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं उनका डाइमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बच्चों अब देखो, कोई भी अगर इक्वेशन होगा तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इक्वेशन चेक करते हैं कि ये इक्वेशन डाइमेंशनली करेक्ट है या गलत है, उसे समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई होगा तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, देखो दैट डाइमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ डाइमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। देखो दोनों साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है उसको मैं कुछ पॉइंट्स में मेंशन करूंगा। डाइमेंशंस, देखो डाइमेंशंस ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल इक्वल। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है, देखो इसका मतलब समझो, कोई भी इक्वेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया है ए इज इक्वल टू बी, ऐसा इक्वल टू में इक्वेशन दिया है समझो, तो इसका मतलब होता है दोनों इक्वल टू है, मतलब इसका डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन कैसा होना चाहिए, इक्वल। दो टर्म्स को हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो गए, ओके, जब उनके डायमेंशन सेम हो गए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझो, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले आपको समझना पड़ेगा और उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आप डाइमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। गिवन इक्वेशन डाइमेंशनली करेक्ट है या गलत है उसे समझने के लिए आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है वो कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है इक्वल टू के दोनों साइड अगर दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है इन दोनों का डायमेंशन भी इक्वल होता है। उसके बाद में इफ वी एड और सब्सट्रैक्ट टू टर्म्स, टू और मोर टर्म्स
then their dimension must be equal or must be same. डायमेंशन सेम होना ही चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है. किसी भी दो अगर टर्म्स को ऐड कर रहे हो या दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, इक्वल. फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि सेम क्वांटिटी को ही हमें ऐड कर सकते हैं, जैसे फोर्स 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ऐसा लिख रहे हैं हम लोग. आप मुझे बताइए 5 न्यूटन में 10 न्यूटन ऐड किया तो 15 न्यूटन हो रहा है, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा 5 न्यूटन प्लस 10 मीटर, देखो न्यूटन की जगह पे मीटर लिखा, तो यहां पे कुछ लिख सकते हो क्या आप लोग? ये मीनिंगलेस है. जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जब दोनों की एडिशन लेते हैं तो दोनों का फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम. फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं ऐड कर सकते कभी. मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी और क्वांटिटी से, लेकिन ऐड करने के लिए कैसे होनी चाहिए, ये क्वांटिटी जो है वही ये भी होना चाहिए. दोनों क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, सेम. दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए मतलब पहला फोर्स होगा तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, फोर्स. मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तो इस फोर्स का भी डायमेंशन वही होगा और इसका भी डायमेंशन वही होगा. अगर दो टर्म्स अगर ऐड करते हो तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए. दो टर्म्स जैसे यहाँ पे है 10 न्यूटन माइनस 5 मीटर, ये भी मीनिंगलेस है बच्चों. हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, इक्वल टू 5 न्यूटन. मतलब देखो इन दोनों का भी कैसा है, दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम. दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं? अगर दोनों का यूनिट सेम है मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जिन दोनों की सब्सट्रैक्शन ले रहा हूँ, दोनों फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही है, 10 न्यूटन भी फोर्स है और 5 न्यूटन भी फोर्स है, मतलब ये दोनों के डायमेंशन कैसे, सेम. और दोनों की सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो क्वांटिटी जो भी आ रहा है आउटपुट में, देखो वो 5 न्यूटन, ये भी फोर्स ही है, मतलब इसका भी डायमेंशन, देखो इन दोनों का डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन कैसा होता है, सेम होता है बच्चों. तीनों का डायमेंशन कैसा होता है, सेम. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप समझ रहे हो, दो टर्म्स को अगर इक्वल टू में लिखते हो तो दोनों के डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. दो टर्म्स को ऐड करते हो तो दोनों टर्म्स सेम फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए, मतलब दोनों के डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. देखो दो टर्म्स को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो दोनों के डायमेंशंस भी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, तभी वो एडिशन का कुछ आउटपुट आ सकता है. ओके मतलब दो टर्म्स सेम फिजिकल क्वांटिटी के होनी चाहिए, दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, तभी उनको ऐड कर सकते हैं, तभी उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, देखो कंपेयर करते उस वक्त भी हमें सेम डायमेंशन होना चाहिए. कंपैरिजन मतलब कैसा होता है, कंपैरिजन सेम क्वांटिटी में हो सकता है ना. जैसे मैंने अगर आपको पूछा 5 न्यूटन फोर्स बड़ा है या 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, या मैंने ऐसा कहा 5 न्यूटन फोर्स बड़ा है या 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है. ये कैसा है, ये मीनिंगलेस है. अगर इंडिया का कैपिटल दिल्ली है तो आप मुझे बताइए मैं कौन से गांव का हूँ. ये जैसा स्टेटमेंट है मीनिंगलेस, वैसा ही ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, 5 न्यूटन बड़ा है या 5 मीटर बड़ा है, 5 न्यूटन बड़ा है या 5 मीटर बड़ा है, इनको कंपेयर कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है. अगर किसी क्वांटिटीज को कंपेयर भी करना है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए. देखो दो क्वांटिटी को इक्वल करना है तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, दो क्वांटिटी को अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो भी दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कंपेयर करना है तो भी डायमेंशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ओके उसके बाद में और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा. देखो सब लोग फोर्स
फॉर मल्टीप्लीकेशन, देखो फॉर मल्टीप्लीकेशन, देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल में और एक ऐड कर रहा हूं, फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देयर इज नो क्राइटेरिया, देयर इज नो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बोल सकते हो या क्राइटेरिया बोलो, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, जब किसी दो क्वांटिटी का आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो या उनका डिवीजन ले रहे हो तो वो दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए दो टर्म्स को अगर ऐड करते हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे वर्क का फॉर्मूला आपको सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है। आप मुझे बताइए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, फोर्स का डायमेंशन अलग ही है, क्या डायमेंशन है, m1 l1 t माइनस टू हमने देखा है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है l1, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है फिर भी मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं। उसके बाद में ऐसा एक इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, मैं फोर्स एंड मास का रेशियो ले रहा हूँ, आप मुझे बताइए रेशियो या डिवीजन ले रहा हूँ, समझो फोर्स को मैं मास से डिवाइड कर रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन है, सही है। एंड मास का डायमेंशन क्या है, m1, मतलब डायमेंशंस अलग अलग है कि नहीं, फिर भी उनका रेशियो ले सकते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में आइडेंटिकल डायमेंशन होना कंपलसरी नहीं है, या वो दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो वो दोनों सेम होना ज़रूरी नहीं है। आप फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी मल्टीप्लीकेशन ले सकते हो, या आप एक्सेलरेशन के लिए फोर्स को मास से डिवाइड कर सकते हो, चलता है, ये डिवीजन को मीनिंग है कुछ ना कुछ, लेकिन इसको मीनिंग है क्या, फोर्स प्लस मास ये मीनिंगलेस है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन डिफरेंट क्वांटिटी का पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर दो क्वांटिटी को ऐड करते हो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन कैसा होता है, सेम। तो हमने इससे कंक्लूजन क्या क्या निकला मैं बताता हूँ। अगर हम लोग ए, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन, ऐसा होता है कि नहीं, इसका मतलब ए न्यूटन में मतलब फोर्स है, मतलब इसका डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू जो भी है, समझो कंपेयर कर रहा हूँ, बी का भी डायमेंशन कैसा होगा अगर ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो बी का भी डायमेंशन कैसा है, m1 l1 t माइनस टू ऐसा मानो। या अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, समझो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जैसे यहाँ पे न्यूटन का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस टू, उसके बाद में इस न्यूटन का भी डायमेंशन क्या है, 2 न्यूटन का, m1 l1 t माइनस टू, क्योंकि फोर्स ही तो है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इसका भी डायमेंशन वही होगा, और प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, लेकिन न्यूटन ही है, मतलब ये भी क्या है, फोर्स ही है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, अगर आप डायमेंशंस में अगर इस तरह से एडिशन करते हो, देखो सेम क्वांटिटी जब ऐड करते हैं फोर्स में फोर्स ऐड किया तो रिजल्टेंट भी क्या आता है, फोर्स ही, इसलिए दोनों टर्म्स जो ऐड कर रहे हो उनका भी डायमेंशन सेम है और दोनों के एडिशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी डायमेंशन वही है, तो ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम लोग दो टर्म्स को ऐड करते हो तो दोनों के एडिशन के बाद में अगर थर्ड क्वांटिटी आता है तो इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन जो है उतना ही थर्ड क्वांटिटी का भी डायमेंशन या थर्ड आउटपुट का भी डायमेंशन होता है थर्ड टर्म का,
ओके तो इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हमें फर्स्ट एप्लीकेशन देखना है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ ये बताया व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके अब हम देखने वाले हैं टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे किस तरह से हम लोग इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं। अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया है तो उसका हमें करेक्टनेस कैसे चेक करना पड़ता है। जैसे देखो एग्जाम्पल वन आपके सामने है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर इन द इक्वेशन यस इज डिस्प्लेसमेंट यू इज इनिशियल वेलोसिटी वी इज फाइनल वेलोसिटी। ओके यहाँ पे वी है ही नहीं, ए इज एक्सेलरेशन टी इज टाइम। ओके गिवन क्या है बच्चों, गिवन इक्वेशन अफकोर्स फिजिकल इक्वेशन क्या दिया है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। और उन्होंने क्या बताया है कि इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करो, मतलब उनको पता नहीं है इक्वेशन सही है या गलत है, आपको करेक्टनेस चेक करना है। ओके डायमेंशनल करेक्टनेस, आपको पता है अगर हम टर्म्स ऐड करते हैं ये टर्म इक्वल टू के दोनों साइड इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये आ रहा है, सही है कि नहीं, इन दोनों की एडिशन करने के बाद में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों की एडिशन करने के बाद में ये आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करने मतलब इसका जो डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, दोनों की एडिशन करें मतलब दोनों के डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और दोनों की एडिशन करने के बाद में ये आ रहा है मतलब इसका डायमेंशन इन दोनों के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। समझो ठीक से, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था फोर्स का, 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 7 न्यूटन, इस साइड लिखता हूँ, मतलब ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, अगर इन दोनों की एडिशन करें तो इन दोनों का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम, मतलब जितना इसका होगा उतना इसका होना चाहिए, और इन दोनों की एडिशन करने के बाद में आ रहा है मतलब इसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए। फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या है, इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए क्योंकि तीनों टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके देखो बच्चों वी हैव एक एक टर्म का डायमेंशन चेक करते हैं, डायमेंशन के लिए हम ऐसा ब्रैकेट यूज करते हैं डायमेंशन ऑफ यस, यस यानी क्या है उन्होंने बताया, देखो यस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है एक लेंथ में ही तो मे डिस्प्लेसमेंट यानी एक लेंथ जैसा ही है ना, उसे भी तो हम मीटर में मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा यल वन। ओके उसके बाद में देखो फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन हो गया, ऑल्सो सेकंड टर्म क्या है u इंटू टी, एक एक का डायमेंशन चेक करना है हमें, इनको ऐड कर रहे हो मतलब दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए u t का, और इन दोनों की एडिशन करने के बाद में ये आ रहा है मतलब इन दोनों के जो डायमेंशंस होंगे वही इसका है, हमने s का डायमेंशन निकालना है, अब u t का निकालना है, अभी s का निकाला है, u t इज इक्वल u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, यहाँ पे बताया है u का डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी का L1 t -1 एंड इस टाइम का क्या होगा t1, तो क्या हो जाएगा L1 t -1 + 1 क्या हो जाएगा t0, इसका मतलब क्या हो जाएगा u इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1, दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u t। नाउ अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट, हाफ ऑफ नेक्स्ट टर्म देखो हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर इसका डायमेंशन कितना होगा, सबसे पहले हाफ एक नंबर है जस्ट, उसको डायमेंशन नहीं होता, ए का डायमेंशन क्या है, ए है एक्सेलरेशन, टी है टाइम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t -2, टाइम का स्क्वेयर है टी स्क्वेयर है तो टी प्लस टू, तो क्या हो जाएगा ये
एल वन टी माइनस टू प्लस टू क्या होने वाला है, जीरो। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला एल वन। देखो बच्चों अभी इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन टू कहो, इसे लगे तो थ्री कहो। देखो एस का डायमेंशन एल वन है, यू टी का डायमेंशन, देखो यू टी का डायमेंशन एल वन है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर का डायमेंशन एल वन है। इसका मतलब जब जिन दो टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उनके डायमेंशन सेम है, और दोनों की एडिशन करने के बाद में जो तीसरी क्वांटिटी आ रही है उसका भी डायमेंशन वही है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई होता है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको जो इक्वेशन दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो हमें चेक करना था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी यानी मीन्स सेम, होमोजेनिटी यानी सेम टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, और इक्वल टू भी हम सेम टर्म्स को ही कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हैं। इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं, इनका डायमेंशन सेम है, मतलब एडिशन करना सही है, और दोनों की एडिशन करने के बाद में जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है उसका भी डायमेंशन इंडिविजुअल टर्म के बराबर ही है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये हमने चेक किया। ओके, वैसे ही हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स करने हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ये सही है या गलत है देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस स्क्वायर। इसके पहले जो ए का मीनिंग बताया, एस का मीनिंग बताया, वी का, यू का मीनिंग बताया है, वही है काइनेमेटिकल इक्वेशन का। देखो कैसा है गिवन, उन्होंने इक्वेशन कैसा दिया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसा इक्वेशन दिया है और बताया है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है वो बताओ। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, अगर ये डायमेंशनली सही होना है तो इनके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, दोनों को जिन दोनों को ऐड कर रहे हैं उनके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों की एडिशन करने के बाद में जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है उसका भी डायमेंशन इनके इंडिविजुअल डायमेंशंस के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के एडिशन करने के बाद में जो थर्ड टर्म आ रही है फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती। मैंने आपको क्या बताया है, 5 न्यूटन फोर्स प्लस 2 न्यूटन फोर्स, क्या बनता है 7 न्यूटन फोर्स। मैग्नीट्यूड बदला है एडिशन के बाद में, 5 प्लस 2 7 हुआ है, लेकिन न्यूटन का न्यूटन ही है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वही प्रेजेंट है। ये न्यूटन यूनिट है, मतलब इसका डायमेंशन फोर्स का ही होगा, ये भी डायमेंशन फोर्स का ही होगा, ये डायमेंशन फोर्स का ही होगा। यहाँ पे जो तीन टर्म्स है इनके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको फोर्स वाला। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जिन दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो उनके डायमेंशन आइडेंटिकल होने चाहिए। तो हम देखते हैं वी स्क्वायर, लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं, इक्वल टू के इस साइड का डायमेंशन इक्वल टू के उस साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। वी स्क्वायर का डायमेंशन देखते हैं, एल वन टी माइनस वन, वी यानी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, एल वन टी माइनस वन उसका स्क्वायर, टू से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको पता है ये रूल आपको स्कूल में हुआ होगा, ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, टू से मल्टीप्लाई करो एल टू, टी माइनस वन एंड टू क्या होगा टी माइनस टू, दिस इज अ वी स्क्वायर, ये किसका डायमेंशन है, वी स्क्वायर का डायमेंशन है, मॉड में डाल सकते हो इसे। ओके, अब देखो इसे इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ, ऑल्सो
नेक्स्ट डायमेंशन में यू स्क्वेयर का निकालूंगा, यू स्क्वेयर। वी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर था वी स्क्वेयर, यानी यू यानी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी स्क्वेयर। यू यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड उसका स्क्वेयर। देखो यू इनिशियल वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन? एल वन टी माइनस वन एंड उसका स्क्वेयर करना है। देखो तो क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो एल वन एंड टू का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो एल टू, माइनस वन एंड टू का टी माइनस टू, टी माइनस टू। चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, यू का जो डायमेंशन है वही वी का डायमेंशन है, तो वी स्क्वेयर का जो डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन आएगा? यू स्क्वेयर का। इक्वेशन नंबर टू। चलो इन दोनों टर्म्स के तो डायमेंशन सेम आ गए, वी स्क्वेयर का एंड यू स्क्वेयर का। नाउ अब किसका डायमेंशन चेक करना है? थर्ड टर्म जो है टू ए स्क्वेयर, टू ए स्क्वेयर का डायमेंशन के लिए ब्रैकेट डालेंगे इज इक्वल टू, टू को तो डायमेंशन है ही नहीं, टू इज जस्ट नंबर, उसको डायमेंशन नहीं होता। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल वन, एल वन टी माइनस टू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। यस स्क्वेयर यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वेयर है तो इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एल एंड पावर टू डाल दिया। ओके तो क्या बन जाएगा ये? देखो रे बच्चों, एल टू एंड वन क्या हो जाएगा? एल थ्री टी माइनस टू। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। तीनों टर्म्स के लिए तीन इक्वेशन बताए मैंने। मैंने क्या कहा आपको, डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका डायमेंशन वी स्क्वेयर का डायमेंशन, यू स्क्वेयर का डायमेंशन, टू ए स्क्वेयर का डायमेंशन कैसा होना चाहिए? इक्वल। इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं मतलब दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तभी एडिशन कर सकते हैं। इन दोनों की एडिशन करने के बाद में थर्ड आ रहा है क्वांटिटी, मतलब इसका डायमेंशन इन दोनों के इंडिविजुअल डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? देखो इन दोनों के डायमेंशन बराबर आ रहे लेकिन इसका अलग आ रहा है, इन दोनों से अलग आ रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है? ये जो आप लिख रहे हो ये सही नहीं है, डायमेंशन के हिसाब से गलत है, क्योंकि तीनों टर्म का देखो इक्वल टू के इस साइड का डायमेंशन है इक्वल टू के उस साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। दूसरी बात, दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन इसका डायमेंशन अलग आ रहा है, इसका डायमेंशन अलग आ रहा है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। ओके इस तरह से आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना पड़ता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, ऐसा ही है। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन द इक्वेशन। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन से स्कूल में आपने पढ़े होंगे, एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को जस्ट हमारे काम क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है उसे चेक करना। देखो गिवन क्या दिया है बच्चों, देखो इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसा इक्वेशन दिया है। ये डायमेंशनली सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और ए टी का डायमेंशन, तीनों के डायमेंशंस पहले निकालेंगे। चलो निकालते हैं v का डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला फॉर v इज इक्वल टू, v का डायमेंशन क्या होगा? एल वन टी माइनस वन। v का डायमेंशन क्या होगा? एल वन टी,
माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन एल वन टी माइनस वन। यू क्या है ऑल्सो, इसे इक्वेशन नंबर वन बोलो ऑल्सो। यू यू यानी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। चाहे वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, उसको मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम ही होगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी होगी तो है तो वेलोसिटी है ना, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल वन टी माइनस वन। नाउ दूसरा क्या है, ए इंटू टी, ए इंटू टी, इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो ए यानी एक्सेलरेशन है एल वन टी माइनस टू एंड टाइम का टी वन, तो क्या हो जाएगा एल वन टी माइनस टू प्लस वन, क्या हो जाएगा टी माइनस वन। यह है ए टी का डायमेंशन। ओके इक्वेशन नंबर थ्री देखो बच्चों, वी का डायमेंशन इक्वेशन वन में देखा एल वन टी माइनस वन है, उसके बाद में यू का डायमेंशन देखो एल वन टी माइनस वन, देखो सेम है, चलो चेक किया दोनों का डायमेंशन सेम है, देखो इक्वल टू के इस साइड का और उस साइड का डायमेंशन सेम है। ए टी यू एंड ए टी को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यू का डायमेंशन एंड ए टी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इक्वेशन थ्री में चेक किया सेम है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशन सेम है, और दोनों के एडिशन करने के बाद में जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है उसका भी डायमेंशन इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन कैसा होगा, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हो गया बच्चों।